और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान कथा के आखिरी दिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने पर कई सनातन धर्मों को वापसी कराई गई। इनमें अलग अलग धर्म अपना 251 परिवारों के 1000 लोग शामिल हैं। इसके साथ ही उनका नामकरण भी करवाया गया। बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव के नेतृत्व में घर वापसी पहले पूजा के साथ ही शुद्धिकरण भी कराया गया। बता दें आपको कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं, हम किसी धर्म के विरोध में नहीं हैं, ना ही धर्मांतरण के पक्षधर हैं, हम सिर्फ घर वापसी करा रहे हैं क्योंकि हम घर वापसी में भरोसा रखते हैं। आपके आशीर्वाद से कि हमने किसी को भी बुलाया नहीं है, हनुमान जी की इच्छा से आए हैं। जितने भी रायपुर के मीडिया वाले हैं हम उनको बता दें हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं है, न हम धर्मांतरण के पक्षधर हैं, हम तो घर वापसी पर भरोसा करते हैं। अब हमारे प्रबल प्रताप जी आप जरा कुछ। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में शराबबंदी बड़ा मुद्दा रहा, इसे लेकर बीजेपी ने बड़ा अभियान भी चलाया। अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद एक बार फिर शराबबंदी की मांग उठ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने महोत्सव सम्मान समारोह के दौरान प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। उन्होंने समाज के साथ साथ मुख्यमंत्री से शराबबंदी करने का निवेदन किया है। कंवर ने कहा कि एक बार समाज और आम लोगों के हित के लिए शराबबंदी कर दें। पिछले समय मैंने कसम खाई थी कि यदि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। आदिवासियों का दर्द देख रहा हूं। शराब बनाने की छूट के बावजूद आदिवासियों को पकड़ा जाता है। यदि आदिवासियों को शराब बनाने की छूट है तो उसे बंद कर दो। आदिवासी क्यों शराब बनाएगा और पकड़ा जाएगा। बता दें आपको 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए जिसमें देखा गया कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में किस तरह से बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। और इस दौरान देखा गया था विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शराबबंदी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। इसी को लेकर कंवर ने सीएम साय से शराबबंदी की मांग की है क्योंकि उनका कहना है कि इसमें आदिवासियों का नाम आता है जो गलत है और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शराबबंदी की मांग की गई है। ननकीराम कंवर ने शराबबंदी की मांग की है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने अपनी ये भावना व्यक्त की और कहा कि ये समाज की जिम्मेदारी है और शराबबंदी छत्तीसगढ़ के हित में है, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री साय से याचिका बता दें आपको प्रार्थना की और कहा कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की जानी चाहिए। कंवर ने सीएम साय से शराबबंदी की मांग की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शराबबंदी की जानी चाहिए। देखा गया था विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से शराबबंदी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया था और क्योंकि अब बीजेपी चुनाव जीत चुकी है तो अब ये मांग फिर से उठने लगी है और ऐसा कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए। और निर्वाचन आयोग ने सोमवार को राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश के अन्य प्रदेशों से भी राज्यसभा की सीटें खाली होंगी, सभी को लेकर आदेश जारी किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ की एक सीट भी शामिल है। बता दें आपको 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। इसके लिए नामांकन की तारीख 15 फरवरी है। बता दें कि राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल अप्रैल 2024 में खत्म हो रहा है। अब देखना होगा कि सरोज पांडे फिर रिपीट होंगी या फिर किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा। बता दें आपको राज्यसभा की 27 फरवरी की चुनाव होगा जिसको लेकर खबर सामने आ रही है कि सरोज पांडे का कार्यकाल अप्रैल 2024 में खत्म हो रहा है। अब देखना होगा कि सरोज पांडे को फिर से मौका मिलेगा या फिर किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर तस्वीरें सामने आई, खबर सामने आई जहां पर 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। इसके लिए नामांकन की तारीख
15 फरवरी बताई जा रही है। बता दें कि राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल 24 अप्रैल को खत्म हो रहा है, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं जारी हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि देखने वाली बात होगी कि सरोज पांडे को एक बार फिर से मौका मिलता है या फिर किसी नए चेहरे को सामने लाया जाता है। एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद इस वक्त देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर राज्यों में दौरों का सिलसिला जारी है। इसी बीच अब राज्यसभा चुनाव को लेकर भी खबरें सामने आ चुकी हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और छत्तीसगढ़ की जो राज्यसभा सांसद हैं उनको लेकर अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो रिपीट होंगी या फिर कोई नए चेहरे को मौका मिलेगा।